जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या जन्मजात आपकी मासूम औलाद दिव्यांग है? यदि ऐसा है तो परेशान और चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी योगी राज में जन्मजात दिव्यांग मासूमों का निशुल्क इलाज सीतापुर के जिला अस्पताल में हो रहा है। जन्मजात दिव्यांग मासूमों की दिव्यांगता का दंश खत्म करने वाला सीतापुर का जिला अस्पताल लखनऊ मंडल में प्रथम स्थान पर है। 224 जन्मजात दिव्यांग मासूमों का अब तक इलाज हो चुका है। सीतापुर के जिला अस्पताल में प्रत्येक गुरुवार को क्लब फूड क्लिनिक चलाकर ऐसा मासूमों का इलाज किया जाता है। इन्हें चिन्हित करने का काम RVSK करती है। अस्पताल में आने के बाद इलाज का सारा खर्च अनुष्का फाउंडेशन उठाती है। देश भर में 144 जिलों में अनुष्का फाउंडेशन 10,000 जन्मजात मासूमों का इलाज कर रहा है। अकेले सीतापुर में 224 बच्चे लाभान्वित हो रहे। दिव्यांगता का दंश खत्म होने से उनके माता पिता भी खुश हैं। इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने क्लब फूड क्लीनिंग को लेकर सीतापुर जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर RK से, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार, अनुष्का फाउंडेशन के ब्रांच मैनेजर मनीष, जिला प्रभारी अमितेश और जन्मजात दिव्यांग बच्चों के माता पिता से खास बातचीत की। जन्मजात जो नवजात जिनके पैर में विकलांगता आ जाती है, दिव्यांगता आ जाती है या टेढ़े हो जाते हैं, उनके लिए सीतापुर का स्वास्थ्य महकमा क्या कुछ अलग कर रहा है, आइए जानते हैं किस योजना के तहत उनको लाभान्वित कर रहा है और सीतापुर इस मामले में क्यों मंडल में प्रथम स्थान पर आया। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर RK सिंह, उन्हीं से जानते हैं कि सर, जो बच्चे हैं, जो नवजात हैं, जिनके पैर टेढ़े हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए क्या पहल की जा रही है और उनका इलाज कब तक होता है, किस योजना के तहत होता है? देखिए, जनपद सीतापुर के जिला चिकित्सालय में प्रत्येक बृहस्पतिवार को क्लब फूड की क्लिनिक चलती है। क्लब फूड में वो बच्चे आते हैं जो अब जन्मजात, जिनके पैर टेढ़े हो जाते हैं, वो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। ये ऐसे बच्चों को पूरे जनपद में हमारी RBSK की टीम होती है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य की जो टीम होती है, वो टीम ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हैं, उनके माँ बाप को कन्विंस करते हैं कि आप इसको इलाज के लिए लेके आइए। उस टीम द्वारा सारे बच्चों को प्रत्येक बृहस्पतिवार को जिला चिकित्सालय सीतापुर में लाया जाता है। ये बच्चे जितनी जल्दी से जल्दी ट्रैक कर सकें, उतनी का ट्रीटमेंट इनका आसान होता है, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट 5-6 साल तक चलता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये उस बच्चों को प्रत्येक बृहस्पतिवार को लाते हैं उस, और ये बच्चों को आना जाने का पूरा जो खर्चा होता है हमारी सरकार उसको वहन करती है। चिकित्सालय में आने के बाद ये बच्चे हमारे जो हमारे अनुष्का फाउंडेशन है, ये वो उन बच्चों को डील करते हैं। ट्रीटमेंट का सारा खर्चा हमारे अनुष्का फाउंडेशन के लोग उठाते हैं, और हमारे जो यहाँ के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन जिला चिकित्सालय के हैं, डॉक्टर इंद्रेश्वर वर्मा, डॉक्टर पवन वर्मा, दोनों लोगों को इस कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। उन बच्चों का समय से वो ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं, उनके पैर में प्लास्टर लगाते हैं, और तब तक इसको फॉलो किया जाता है जब तक बच्चे अपने आप से ठीक से चलने न लगे। और ये पूरी तरह निःशुल्क है, ये पूरी तरह की स्कीम अपना निःशुल्क है। ये आने जाने का खर्चा हमारी RVSK की टीम उठाती है, बाकी जो इनके साथ जो दवाइयाँ खर्चे होते हैं, प्लेट्स के जो खर्चे होते हैं, उसका फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, ये उनके द्वारा वहन किया जाता है। ऐसे कितने बच्चे होंगे अगर मंडल में बात करें तो, कैसे बीमारी हो जाती है जिनके पैर, पहले ऐसा तो नहीं होता होगा कि जो दिव्यांग बच्चे होते होंगे उनके लिए ऐसी कोई विधि होती हो जो दिव्यांगता दूर कर सके? ये तो आपने इतना लंबा अनुभव देखा होगा, अब ये सरकार ने शुरू की है, तो मंडल में सीतापुर में कितने ऐसे बच्चे थे? देखिए, मंडल में पिछले साल हमारे सीतापुर जनपद में अब 2022-23 में ऐसे 74 बच्चों को हमारी RBSK टीम ने चिन्हित किया, और जिनका हम लोगों ने यहाँ पर ट्रीटमेंट किया, उनका ट्रीटमेंट आगे भी चलता रहेगा, और ये हमारी उपलब्धि पूरे मंडल में प्रथम रही है। और इसके हमारी पूरी RBSK की टीम, हमारे यहाँ के सर्जन, हमारे अनुष्का फाउंडेशन के लोग बधाई के पात्र हैं, और साथ ही साथ कुछ आप लोगों का भी सहयोग रहता है, मीडिया के लोगों का भी सहयोग रहता है कि ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप के अंदर डर खत्म हो जाता है कि इनको हम लोग इलाज के लिए ले जाएं, क्योंकि जब तक माँ बाप कन्विंस नहीं होंगे आप बच्चों के इलाज कभी नहीं कर सकते हैं। उनके माँ बाप को ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको सिखाया भी जाता है, तभी उनके अंदर डर खत्म होगा, तभी बच्चों को लेके आएंगे वो।
चूँकि इलाज लंबा चलता है, 5-6 साल से ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, ऐसा माँ बाप का इसमें सहयोग बहुत ही आवश्यक है और हमें मिलता भी, हम लोग प्रयास भी करते हैं उसके। बिल्कुल, देखिए उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और उनके लिए एक जानकारी भी है CMS की ओर से, जिनके बच्चे अगर पैदा होते ही दिव्यांग होते हैं तो वो अब चिंता न करें, सीतापुर जिला अस्पताल आएँ और उनके लिए निःशुल्क इलाज है, लंबा इलाज है, बशर्ते वो आगे आएँ अपने मासूम को लेकर, और जो भी उनके पैर में दिक्कत है वो बिल्कुल गारंटी शुदा यहाँ पर दूर की जाती है। ऐसे परिवार के लोग देखिए इस समय आपको दिखाएंगे, और पिछले साल का जो रिकॉर्ड बताता है सीतापुर में, वो 74 बच्चे थे जो मंडल में सबसे ज़्यादा थे और सीतापुर में उनका इलाज हुआ। तो आपको दिखाएं कैसे इनका शुरुआती इलाज होता है, कैसे पैरों को इनको सीधा करने के लिए क्या कुछ किया जाता है, ये देखिए लगा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो पैर में यहाँ तक नौबत आती है कि इनका प्लास्टर भी चढ़ता है, लेकिन इनके जीवन के लिए यहाँ से जो एक बहुत बड़ा एक कहिए उपलब्धि मिलती है, वो आगे चलकर ये सामान्य तौर पर रह सकेंगे, और ये सब कुछ संभव हो रहा है सीतापुर जिला अस्पताल में। जानना चाहेंगे आपका बच्चा कब से ये दिव्यांग था? यो जलमते रहा। क्या लगता था कभी ठीक हो पाएगा, आपको उम्मीद थी? ठीक हो जाए, ठीक हो ही गया है, खाली जूता से ही सिधर गए, जूता पहन दे सब सही हुई। कहाँ इलाज हुआ? यहीं जिला अस्पताल। हाँ जिला अस्पताल। कहाँ के रहने वाली, क्या नाम आपका? कविता नाम है, रहने वाले हैं सरासा पट्टी सन्ना तेरा। तो ये अगर इलाज ना हो पाता तो ठीक हो पाता? नहीं ठीक नहीं होते, इसे जो लाइन नहीं तो कैसे ठीक हो जाते। इलाज हुआ जिला अस्पताल में? हाँ जिला अस्पताल हुआ। देखिए जिला अस्पताल में इलाज होने के बाद इन्हें उम्मीद है कि इनका बेटा अब ठीक होने लगा है और ठीक हो जाएगा। आप देखिए ये इनका कहना है कि काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। देखिए दूसरा बच्चा, इतने मासूम बच्चे को देखिए प्लास्टर चढ़ा करके इसको ठीक करने का प्रयास हो रहा है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले? सकरन। क्या हो गया था बच्चे को? इसके जन्म से पैर मुड़े थे। कहाँ आए थे इलाज कराने? यही सीतापुर जिला अस्पताल। अब क्या उम्मीद है? अब सही हो जाएंगे, उम्मीद यही है। पैसा खर्च हुआ? नहीं नहीं, निःशुल्क इलाज देखिए, और निःशुल्क इलाज हो रहा है। अब इन्हें उम्मीद है कि इनका बेटा ठीक हो जाएगा। ये सारी जो टीम के लोग भी हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर इनका इलाज करने वाले डॉक्टर जो इलाज करते हैं इनका, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें जानना चाहेंगे कि जिला अस्पताल में कैसे इलाज डॉक्टर साहब इनका होता है? बच्चा हमारे पास प्रस्टार्टिंग में आता है, सबसे पहले हम उसको मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि आपका इलाज 5 साल का है, आपको धैर्य बना के रखना है, तो वो आदमी बच्चा तैयार हो जाता है। फिर पहले हम हर वीक टू वीक उनको बुलाते हैं, स्टार्टिंग में प्लास्टर लगाना स्टार्ट करते हैं, हर बृहस्पतिवार को प्लास्टर लगाते हैं, 6-7 प्लास्टर में उसका पैर का हम लोग लगभग करेक्शन कर देते हैं। उसके बाद में छोटा सा ऑपरेशन होता है, वो निःशुल्क किया जाता है, उसके करने के बाद 2 वीक का प्लास्टर लगा दिया जाता है, उसके बाद हम उसको CTV ब्रेस पे ले आते हैं, जैसा कि बच्चा लगाए हुए इसको लगा रहता है। स्टार्टिंग में इसको हम लोग कंटिन्यूस लगाना होता है, 3 महीने के लिए 24 घंटे लगा रहा है, उसके बाद फिर इसको बच्चा दिन में निकाल सकता है, रात में लगाते रहे, फॉलो अप रेगुलर हमें 5 साल तक करना होता है। 5 साल आपको इस पर निगरानी रखनी है और ट्रीटमेंट चलेगा। एक हमारी NGO है अनुष्का फाउंडेशन, वो इस लोग हमारी सारी मदद करते हैं बच्चों को यहाँ तक लाने में और उनको ट्रेस करने में। अगर कोई बच्चा नहीं आया है तो वो कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, इस बृहस्पतिवार को क्यों नहीं आया है, तो अनुष्का फाउंडेशन की तरफ से उस बच्चे को पूर्ण रूप से घर तक ट्रेस किया जाता है, वो किसी प्रकार से लाते हैं, इलाज करने की जिम्मेदारी पूरी हम लोगों की होती है। जिला अस्पताल में गुरुवार को ये होता है सब कुछ? बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार को इसकी क्लिनिक होती है। तो देखिए आज जिला अस्पताल में हर गुरुवार को ऐसे बच्चे उनके माता पिता यहाँ आएँ, उनको लेकर के और इस तरीके का इलाज कराएं, और वो जो जो NGO है यानी अनुष्का फाउंडेशन, उनसे बातचीत करते हैं, कैसे आप लोग काम करते हैं, कैसे चिन्हित करते हैं कि फला बच्चे को ये दिक्कत है, और फिर उनका इलाज कराने के लिए अस्पताल जिला अस्पताल कैसे लाते हैं? सर मेरा नाम मनीष है और मैं ब्रांच मैनेजर हूँ अनुष्का फाउंडेशन में। दरअसल अनुष्का फाउंडेशन हमारा बॉम्बे में हमारा बेस्ड है ऑफिस, और हमारा इस समय पूरे इंडिया में 124 जिलों में हम सपोर्ट कर पा रहे हैं, और ये सीधे से हमारा गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन है, जिसमें फैमिली वेलफेयर के साथ में और साथ ही साथ में NHM में
आरबीएसके का जो कार्यक्रम डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, और हमारे बीच में एक एमओयू साइन है जिसके अंतर्गत जो आरबीएसके की टीम है वो चूँकि ब्लॉक लेवल पे उनका टीम होता है, डॉक्टर्स का टीम होता है, तो वो जब बच्चा डिलीवर होता है ये अर्ली आइडेंटिफाइड हो जाता है तो इसमें ट्रीटमेंट में आसानी होती है, तो अर्ली आइडेंटिफाइड करके वो टीम हमको देती है और फिर हम उसको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफरल के रूप में लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ में हमारा ये भी रहता है कि हमारे साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रोग्राम एजुकेटिव हैं जो हमारे क्लिनिक का मैनेजमेंट देखते हैं, और उनका भी ये होता है कि हमारा जो इन्वेंट्री है जो हमें बच्चों को निःशुल्क प्रोवाइड करनी है सामान वगैरह, उसके अलावा उनका एक और मुख्य रूप से काम होता है वो था काउंसलिंग का, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, बीच बीच में फील्ड पे जाके उनका भी काम होता है, वो भी आइडेंटिफाई करके लाते हैं, कई बार आरबीएसके की टीम और जो हमारी फ्रंटलाइन वर्कर्स की टीम है उनको ट्रेंड करते हैं कि वो अर्ली आइडेंटिफाइड कर लें ताकि हम इनका ट्रीटमेंट कर सकें, और 5 साल तक ये ट्रीटमेंट हमारा चलता है बच्चों का। ये पूरी प्रक्रिया है? ये पूरी प्रक्रिया है, और अभी हमारा 2018 से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं सीतापुर जनपद में, 224 बच्चे हमारे पास में अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जिनको हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है, तो ये प्रक्रिया चल रही है। लगभग हमारे पास में 10,000 के आसपास में बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया जिनको हम लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, 224 वो बच्चे जो जिन पर कभी जीवन में उनके दिव्यांगता भारी पड़ती, वो दिव्यांगता अब भारी नहीं पड़ेगी, वो भी सामान्य रूप से अपना जीवन निर्वाहन कर सकेंगे, और ये सब कुछ संभव हो रहा है आप लोगों के चलते। ज़िले में देखते हैं, आप तो पूरे ज़िले को कवर करते हैं, कैसे चयन करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, फिर इनको कैसे ट्रीटमेंट करा के कैसे इनको घर भेजने का आपका प्रबंध रहता है? मेरा नाम अमितेश है, मैं पहले से बच्चे जो होते हैं जो आरबीएस की टीम यहाँ की ज़िले पे ब्लॉक लेवल पे वो बच्चों को हमको भेजती है, आइडेंटिफाइड करती है, यहाँ पे हमको यहाँ भेजती है, एंड देन मैं इन जो बच्चे आते हैं पेरेंट्स, पहले फर्स्ट मैं उन्हें काउंसलिंग करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि ये बच्चा आपके साथ ठीक हो सकता है, बस आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, बच्चे को यहाँ 5 साल तक यहाँ पर इलाज आपका फ्री होगा, समझाते ऐसे कोई बच्चे यहाँ पे इनके बाद 6-7 कास्टिंग होती है, चढ़ते हैं उसके बाद आके जूते मिलेंगे, तो यहाँ सब आके फ्री है, बस आपको खाली आना है और जाना है, और बाकी मैं इनके घर जाता हूँ, मैं इनके घर काउंसलिंग करता हूँ कि बच्चे को अगर इनका बच्चा छूट जाता है गलती से, मैं फिर काउंसलिंग इनको समझाता हूँ कि क्या नाम है कि आप यहाँ आओ फिर दोबारा यहाँ पे आओ, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे कभी अगर ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो हम इनकी विजिट करते हैं, और बाकी CSC PSC विजिट करते हैं हम लोग करते हैं ताकि बच्चे वहाँ पर हमको आइडेंटिफाइड हो और जल्द से जल्द यहाँ पर सबका इलाज हो सके। देखिए ये पूरी प्रक्रिया है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद उन्हें उनके पैरों में दिक्कत होती है, वो दिव्यांगता का दंश झेलते हैं, तो ऐसा दंश अब यहाँ का जिला अस्पताल, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का NGO जो आप लोगों का है वो दूर करने में लगा हुआ है। 224 ऐसे बच्चों का इलाज हो रहा है और उनमें दिव्यांगता दूर करने का एक अनूठा प्रयास हो रहा है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।